चढ़ाला की चौथी ढाल के अंतर्गत दोहा नंबर पांचवा अपना चल रहा था, दोहा नंबर पांच पेज नंबर 99। सम्यक ज्ञान की यह महिमा बताई गई है कि इस जीव ने ये मतलब ये जीव करोड़ों जन्म तप कर और जितनी कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता उतनी ज्ञानी जीव तीन युक्तियों के बल से एक अंतर मुहूर्त में क्षय कर देते हैं। मैंने अज्ञानी जीव करोड़ वर्ष तक तप तपे, लाखों वर्ष तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक तप तपे और तो भी वो जितने कर्म क्षय नहीं कर पाता उतने ज्ञानी एक अंतर मुहूर्त में तीन युक्तियों के द्वारा क्षय कर देता है। समझ में आ रही है? यहाँ स्वरूप की स्थिरता की बात बतानी है कि आत्मा की क्षण भर की लीनता उसका फल इतना बड़ा है। अज्ञान पूर्वक किए गए करोड़ों वर्षों तक तब भी तपे और फिर भी जो रिजल्ट उससे नहीं आएगा, जितना आउटपुट उससे नहीं आएगा, उतना ज्ञान पूर्वक किया गया एक अंतर मुहूर्त मात्र का भी तब कर्म क्षय कर सकता है। सम्यक ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। मिथ्या ज्ञान के बिना जितना भी तप है वो पत्थर के बाहर के समान, पत्थर की गाड़ियां, पत्थर के गोदाम, तो पत्थर के गोदाम भरे हुए किसी के 25-30 और किसी के घर में एक तिजोरी है रत्नों की, किसकी कीमत ज्यादा है? एक रत्न की तिजोरी बहुत ज्यादा कीमती है और 50 पत्थर के गोदाम भी कोई कीमती नहीं है। ठीक उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान के साथ में जितना भी तप है वो पत्थर के गोदाम जैसा है और सम्यक ज्ञान के साथ में जो कुछ भी तप है वो रत्नों की तिजोरी के समान। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई जो भी काम करना हो, काम करने की जल्दी मचाने के पहले पहले सबसे पहले उसको सम्यक ज्ञान के सबसे पहले तत्व ज्ञान की प्राप्ति करो, सबसे पहले सम्यक ज्ञान करो, बस ये करना है करना है। फिर नहीं तो अन्य मत में जैन मत में क्या अंतर रह जाएगा? अन्य मतावलंबी भी तप तपते हैं, वो भी उनके भगवान की स्तुति गा लेते हैं, आरती कर लेते हैं वो सब है। लेकिन जो अन्य मत में और अपनी अंतर है वो तत्वज्ञान का है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान और ज्ञान। वो जैसा वहाँ जैसा हमने निरूपित किया है वैसा अन्य कहीं भी नहीं है और हम उस श्रद्धान और ज्ञान के बल के आधार पर ही सब धर्म की क्रिया करते हैं। मैंने हमें अपने आप भगवान के प्रति भक्ति का भाव है बिना रहता नहीं, स्वाध्याय में हमें रस लगे बिना रहता नहीं। ये कोई हमारे को भगवान की कोई हमें मतलब उस डर नहीं है कि भाई भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो भगवान अपना बुरा कर देगा, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो बुरा हो जाएगा। ये अपन अपनी रुचि से कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो तत्वज्ञान का जो बल है उसके बल से ये जीव एक अंतर मुहूर्त में तीन मुक्तियों के द्वारा अनेक कर्मों को क्षय कर सकता है जो कि अज्ञानी करोड़ वर्षों के तप द्वारा भी नहीं कर सकता। एक बात तो ये, दूसरी बात यह है कि इस जीव ने अनंत बार मुनि व्रत धारण किया, वो ग्रेवेक पद भी प्राप्त किया परंतु निज आत्मा के ज्ञान बिना सुख रंच मात्र भी नहीं पाया। ते निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश पाए परंतु निज आत्मज्ञान के बिना सुख रंच मात्र भी। फिर यह आत्मज्ञान की महिमा बताई कि देखो आत्मज्ञान की महिमा कि उसके बिना इस जीव ने सब कुछ किया, मुनि व्रत धारण किया, पंच महाव्रत पाले, कठोर से कठोर तप भी तपा, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो सुख की प्राप्ति नहीं हुई, सुख नहीं मिला तो मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ। धर्म कब से चालू होता है? जब से सुख मिलने लगे, धर्म की बात सुन के अपने को शांति लगे तो समझ लेना अपन ने धर्म चालू किया है, और धर्म अपने को कष्टकारी लगे अभी अपना धर्म मार्ग चालू नहीं हुआ।
तो अब इसमें दो तीन बातें हैं, क्या हर जीव अनंत बार मुनि व्रत धारण करके ही मोक्ष जाता है, क्या ऐसा नियम है? जरूरी है हर जीव को पहले अनंत बार मुनि व्रत धारण करने पड़ेंगे और फिर ही वो मोक्ष जाएगा, कि उसके बिना भी जा सकता है? उसके बिना भी जा सकता है, एक एक्सट्रीम केस बताया। इस केस को अपन जनरलाइज जनरल केस के रूप में नहीं ले सकते कि सबके साथ ये नियम लगेगा, हर जीव को अनंत बार मुनि व्रत धारण करना ही पड़ेगा और अनंत बार वो गृहयोग जाएगा ही और तभी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, तभी उसको निजात ज्ञान होगा, ऐसा नियम नहीं है। ये तो कोई जीव ऐसा होए, अनंत बार मुनि व्रत भी धारण किया उसने और फिर भी उसको सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसका केस लिया है कि देखो इसने जो काम करना था असली वो नहीं किया और बाकी सब काम किया, तो उससे संसार का संसार भी रहा लेकिन मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं। जैसे कोई व्यक्ति ने 10 ट्यूशन लगा ली, सुबह उठते ही ट्यूशन जाता, मैथ्स की, फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, सब कर ली और लास्ट में रिजल्ट क्या आया? फेल। और ऐसा एक साल नहीं, 10 साल, अपन क्या कहेंगे? कोचिंग क्लास धार अनंत बार, एग्जाम धराए हो, ए निज पास बिना अगली का क्लास न पाए हो, तो कोई ये कहे कि अरे भैया ऐसा है यदि, तो फिर तो हर बार अपने को अगली मतलब हर व्यक्ति को इतनी बार कोचिंग जाना पड़ेगा तब वो पास होएगा, उसका मतलब ये नहीं। ये तो एक केस बता रहे हैं कि कितना घटिया केस है ये, इसने ढंग से पढ़ाई नहीं की, कोचिंग क्लास अटेंड भी कर ली, तो उससे क्या है, जाके बैठ गए वहाँ पे बस चलता है। क्या जैसे कई लोग रहता है कि स्कूल के अंदर अटेंडेंस रहती है, तो अटेंडेंस रहती है बंदा अटेंडेंस पूरी करने आ जाते हैं, क्योंकि नहीं तो मार साहब की डांट पड़ती है कि भैया यहाँ अटेंडेंस नहीं है तुम्हारी, 80% से कम अटेंडेंस है, तो क्या करना, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके बैठ गए क्योंकि अटेंडेंस चाहिए मिनिमम। वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या हमने लिए काला अक्षर भेज भरा हुआ, क्योंकि पढ़ाई तो अपने को आखिरी में करनी है। समझ में ना, तो इसलिए कहते हैं कि ये क्लास स्कूल जाने मात्र से कोई पास नहीं हो जाता, पास तो वो अपनी मेहनत खुद करता है तो होता है। तो ऐसे मुनि व्रत धारण करने से इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, वो खुद अपने आप से तत्वज्ञान करेगा, वेद विज्ञान करेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, कोई मुनि व्रत उसको इंजेक्ट नहीं कर देगा सम्यक दर्शन कि अच्छा ठीक है तुमने कपड़े उतार दिए अब सम्यक दर्शन किया, अब आके मैं तुम्हारे साथ चिपक जाता हूँ, अब तक नहीं चिपक जाता, ऐसा कुछ नहीं, तो बहुत सरल हो जाता मोक्ष मार्ग। क्या कोई क्रिया करने से, कोई भी एक चीज धारण करने से यदि मोक्ष मार्ग हो जाता सिद्ध, तो अब तक अपने को हो गया होता, लेकिन वो जो उसका असली उपाय है वो तत्वज्ञान और भेद विज्ञान, वो नहीं होवे और ये सब काम करे तो कहते हैं कि वो काम करने पर भी वो असली उपाय नहीं है, इसलिए सिद्धि नहीं होती। दो तरह के कारण होते, देखो एक तो होते हैं नियामक कारण और एक होते हैं कि जिसको कहते हैं कि नियामक कारण नहीं है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे थे वो मोक्ष का नियामक कारण है, माने वो होगा तो मोक्ष मार्ग नियम से होगा ही, वो मुनिव्रत का नियम नहीं है कि वो होने पर मोक्ष मार्ग जीव होगा ही होगा, हो भी और न भी हो, समझ में आया ना। व्रतादिक ये सब ये मोक्ष मार्ग की गारंटी नहीं देते, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो वो मोक्ष मार्ग की गारंटी। मोक्ष और प्रकाशक में इसकी सबकी चर्चा, मोक्ष और प्रकाशक है यहाँ पे, लेके आऊंगा देना तो मेरे को, उसमें लिखा है कारण दो, कुछ कारण ऐसे होते हैं तो यहाँ तो जो है ना, मतलब जो मूल जो अपने को जिस बात पे बल देना है यहाँ पर भेद विज्ञान आत्मज्ञान पे बल देना है। जब बल देना है तो इसलिए उसको इतनी खींच की तरफ से बात करें कि देखो ये जीव ने अनंत बार मुनि व्रत धारण किया तो भी इसने निजात ज्ञान प्राप्त नहीं किया। देखो
की किताब है, उसमें दिया है पेज नंबर, इसमें ख्याल नहीं आ रहा है वो एक्चुअल में जो हेडिंग है वो बराबर नहीं है। 313 अच्छा इसमें दिया है, नव अधिकार 313। नहीं इसमें नहीं, 313 नंबर क्या है उसमें, एक मिनट देखता हूँ। कहाँ दिया मोक्ष और प्रकाशक का नौवां अध्याय, नहीं नहीं ये नहीं, ये बात नहीं, वो तो कहीं और आई है, मेरे को ख्याल नहीं है कि वो एकदम कौन से पन्ने पे है। वो सातवें अध्याय में होगा, दूसरी किताब भी ये वाली जो है इसके अंदर हेडिंग नहीं बराबर, तो वो हेडिंग के बिना कैसे था। तो देखो जो मेन बात है मैं यही बताता हूँ आपको, देखो कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके होने पर कार्य होता ही है, और कुछ कारण ऐसे हैं जिनके होने पर कार्य हो भी और ना भी हो, तो ये जो मुनिव्रत है वो उसमें वो कारण है। छोड़ो छोड़ो छोड़ दोस्त, अब अपन तो बात ही कर रहे थे तो यहाँ आत्मज्ञान के ऊपर बल देना था, तो इसलिए उन्होंने बात कही कि देखो ये सब भी करे और तो भी वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसको न होए, आत्मज्ञान की प्राप्ति न हो। अब इसका क्या है, ये एक्सट्रीम केस है, तो इसका मतलब उल्टा मत लगाना। उल्टा मतलब क्या कि हर जीव को अनंत बार रेवेक जाना ही होगा, अनंत बार मुनिव्रत धारण करना ही पड़ेगा, और ऐसा कोई इसको सुन के हतोत्साहित नहीं हो सकता, अरे भैया देखो अनंत बार मुनिव्रत भी धारण किया और इतना आगम का अभ्यास भी किया, महाव्रत भी पाले, सब ईमानदारी से मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ किया, तब भी नहीं हुआ तो अब तो अपन कुछ कर ही नहीं रहे, अब कैसे अपनी सिद्धि होगी, अब तो किसी हालत में हो ही नहीं सकती, जब इतना मेहनत कर ली तब भी नहीं हुआ अब कैसे होगा। जैसे किसी हालत में बहुत तैयारी करी, पूरी ताकत लगा दी पास होने के लिए और फिर भी वो फेल हो गया, तो वो हतोत्साहित रहता है, मैंने अपनी जितनी जिंदगी में हो सकता था उतनी पूरी मेहनत कर ली, यदि अब इतनी मेहनत पर भी नहीं हो रहा है तो आप तो इतनी मेहनत तो अपने से बन ही नहीं सकते, इसलिए हम इसको छोड़ो। ऐसे ही कोई जीव ये सोच सकता है कि जब हमने इतना बड़ा महाव्रत धारण किया, घर बार छोड़ दिया, राज्य पाठ का त्याग किया, वन खंडारी में निवास किया, 22 परीक्षा को सहन किया, शरीर के अंदर चमड़ी छीलने पर नमक भी किसी ने डाला तो उसके प्रति गुस्सा नहीं किया, आँख लाल नहीं हुई, 11 अंग पढ़े, 9 पूर्व पढ़े, ये सब किया और तब भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो अब तो अपन उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 11 अंग तो छोड़ो, 11 से दोहे याद नहीं हो गए,
पंच महाव्रत की बात करें, पांच पाप थोड़ी देर के लिए छूट जाए बहुत है, तो कषाय चमड़ी छील दे या तो कोई कह दे कि चमड़ी छील दूंगा, उतने भी आग लाल नहीं हो तो बहुत बड़ी बात है, तो मतलब कुछ कर ही नहीं रहे, तो अपने को तो ये सिद्धि हो ही नहीं सकती, इसलिए कोई आदमी वेदांत छोड़ के भाग सकता, अपने बस की बात है, और बस की बात की तो क्या करना फिर इसका होना, चलो अपन इस तरफ से भी सोचो कि अपने बस का नहीं तो क्या करना, जैसे कोई बच्चा को अपने स्कूल में एडमिट किया, खूब पढ़ाई की और पाँच छठी क्लास में फेल हो गया, तो क्या करना है, मैं तो इतनी पढ़ाई की तो भी पास नहीं हुआ, तो अब क्या करें, स्कूल छोड़ दें, क्या करना चाहिए, स्कूल छोड़ देना चाहिए बेटा, और कोई उपाय भी नहीं है ना, मेरी खुद की नौकरी है, कोई धंधा है नहीं अपने यहाँ, और तू यदि पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर तो एक ही बचा है काम, अपने घर में एक कटोरा है, और कोई है ही ना उपाय, और कुछ नहीं है, तो ऐसे यदि जीव मोक्ष मार्ग का उपाय न करे तो क्या करे, क्या करे उसके अलावा क्या करे, भले हमारे समझ लो उपाय निष्फल भी हो गए हो, लेकिन वर्तमान में हम क्या करें, उसका उपाय नहीं करे तो क्या संसार में रहे, नरक निकोच जाए, चार गति में घूमे, क्या करे, आग लग गई हो और अपन समझ लो ऊपर छत पे जाने की कोशिश कर रहे हो और आठ दस बार गिर पड़े हो छत पे चढ़ने में भी, कोशिश करने में भी, तो क्या करें, अब जल्दी जाओ कहाँ चढ़े, तो ये तो महामूर्खता है ना, यदि वो गिर गया होगा तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर कोशिश करेगा, फिर कोशिश करेगा, ऐसे हजार बार कोशिश करके भी वो एक बार किसी भी तरह ऊपर पहुंचने का प्रयास करेगा, वो होती ना आपने कभी देखा हो मकड़ी होती है, मकड़ी इनकी कहानी में आता है, ये किसकी कहानी में, महाराणा प्रताप सिंह अकबर से उनकी लड़ाई हुई थी, तो अनेक बार हार गए, तो हार के जंगलों में जा रहे थे वो, तो जंगल में उन्होंने अपने बच्चों के लिए भूख से त्रस्त बिछाए तो घास की कुछ चीज बनाई, घास की रोटी, और वो घास की रोटी भी जानवर आके ले गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने कहा ये बच्चों की भूख देख नहीं सकते, तो अब तक उन्होंने जो है अकबर से संधि नहीं, मतलब अकबर के चरणों में नतमस्तक नहीं हुए, लेकिन जब ऐसी स्थिति उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि अब अपने को अकबर के आधीनता जो है अपने को स्वीकार करनी पड़ेगी, जंगल में कब तक छुपते फिरेंगे, इतने में क्या हुआ कि वो एक जगह जहाँ बैठे थे वहाँ उन्होंने एक मकड़ी को देखा, वो एक बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, मकड़ी कोई चींटी कौन सी ध्यान है किसी को, चींटी थी, चींटी ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, ऊपर चढ़ने की कोशिश में वो एक बार दो बार तीन बार 32 बार गिरी, अंतोगत्वा 33वीं बार में ऊपर चढ़ा, बड़े ध्यान से देखा उसको, उन्होंने कहा चींटी ने अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, फिर हम अपना पुरुषार्थ कैसे छोड़ सकते, फिर उन्होंने जितनी भी ताकत थी इकट्ठी करी और फिर एक कोई उनको आर्थिक सहयोग करने वाला मिल गया, जैन व्यक्ति था वो, किसने किया था मालूम, भामाशाह जैन थे, उन्होंने जो है पूरी वापिस सेना इकट्ठी कर ली, वापिस ले लिया, तो बात तो ये समझानी थी कि नहीं करे तो उनको उपाय भी क्या है, जैसे वहां बैठ के भी समय ये इतना सब करने पर भी नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही है तो दूसरा उपाय तो संसार है, संसार में तो अनंत काल प्रकट रहे और वहां दुखी दुख है, इसलिए पुरुषार्थ अब तक ढंग से नहीं हुआ हो कमी निकाले कि भाई मेरी पुरुषार्थ में क्या कमी रह गई है और उस कमी को दूर करने का उद्यम करें, तो मुनिव्रत धारण करना वो तो कार्य अच्छा ही है, लेकिन वो करके मोक्ष मार्ग मान के संतुष्ट हो गए हम,
अथवा हमने असली आत्मज्ञान की प्राप्ति का उपाय नहीं किया तो वो कार्य करे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका वो मतलब वो मुनिव्रत धारण किया है तो अपने मुनिव्रत तो धारण करना ही नहीं है इसके लिए और सीधे आत्मज्ञान की प्राप्ति के उपाय करने। तो कह रहे हैं कि वो बात नहीं, बात ये नहीं है, यदि वो मुनिव्रत धारण करके कोई ऐसी उपाय करता है तो अच्छा, क्योंकि उसको और समय है, अनुकूलता ज़्यादा है, संसार शरीर मोहों से विरक्त है तो आप सब चीज़ों से विरक्त होकर अपने निज आत्मकल्याण में लग सकता है। लेकिन सवाल ये कि वो लगे तो, और वो नहीं लगे तो वो कहते हैं कि भैया मूल काम नहीं हुआ, मूल काम क्या था, आत्मज्ञान। और दूसरी बार ये हतोत्साहित करने के लिए बात नहीं कही है, ये बात तो केवल आपको उस चीज़ की महिमा बताने के लिए कही है और ये सबसे रेयर केस बताया है। वास्तव में तो जितने जीव ईमानदारी से पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें अपन कहेंगे 100% नहीं तो भी 90% लोग तो सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जो जीव ईमानदारी से तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं वे अधिकांश जीव तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ही लेते हैं। ये कोई जीव न करे तो उसकी बात है, कि नहीं करे तो ऐसा भी हो सकता है कि अनंत बार मुनिवृत्त तो धारण करे, गिरवेग भी जाए, लेकिन निजात्म ज्ञान के बिना संसार के पात्र बना रहे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो। अब देखो आगे चलते हैं, समझ में आई ना बात, मैंने किस चीज के लिए, ये उल्टी मत लेना इसको, लोग उल्टी भी लेते हैं इसको, उल्टी मतलब एक तरह से देखो ये 11 अंग 9 पूर्ण पढ़ के भी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, 11 अंग 9 पूर्ण पढ़ के भी नहीं हुआ तो अब पढ़ के क्या हो जाएगा, चलो घर चलो टीवी देखो आराम से। तो 11 अंग 9 पूर्ण पढ़ के भी नहीं हुआ इसका मतलब कितना क्रिटिकल केस है, गंभीरता समझनी चाहिए उसको, बात किसके लिए कही गई है, टीवी देखने से हो जाएगा मोक्ष, और बल्कि पाप में जाके वहां घोर दुर्गति में जाएगा तुरंत जल्दी से, थोड़ा अवसर भी नहीं मिलेगा, कम से कम यहाँ तत्व ज्ञान के उपाय में लगा रहेगा तो उसको अवसर बना रहेगा, सुगति में जाएगा, मोक्ष मार्ग का निमित्त बना रहेगा, और पाप में गया तो नरक आदि खोटी गतियों में जाएगा, सीधे निगोद की तैयारी होता है। इसलिए वो तो वो है, निगोद जाना है, नरक जाना हो तो यही बात करे, इतना करने से भी क्या हुआ, इसका तो अपने क्या करना, खाना पीना टीवी देखना मौज मजे करना कहाँ है, सब करना सब कर करके भी तो कुछ नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो ठीक है, तो फिटर आ जाओ, नरक निगोद आ जाओ, कम से कम कुछ करता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा और अपनी भूल निकालता रहेगा तो एक दिन सम्यक की प्राप्ति कर सकता। देखो आगे चलते रहो, ये तो आगे ना समझ में, मुनिवृद्धा हर जीव अनंत बार विवेक धारण कर, हर जीव अनंत बार मुनिवृत्त धारण करके अनंत बार विवेक जाए ऐसा जरूरी नहीं, कोई जीव सीधे एक ही बार मुनिवृत्त धारण करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। किसने दिया है मोक्ष मार्ग का स्वरूप, देखो सुनो वहां कारण तो अनेक प्रकार से होते हैं, कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य होता ही नहीं, क्या कोई कारण तो ऐसे होते हैं, सुनो वापस से, कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता और जिनके होने पर कार्य हो या ना भी हो हुए बिना नहीं होएगा, और हो भी जाए वो कार्य वो कारण तो भी कार्य हो भी और ना भी हो। जैसे मुनिलिंग धारण किए बिना तो मोक्ष नहीं होता, परंतु मुनिलिंग धारण करने पर मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता, तथा कितने ही कारण ऐसे हैं कि मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है परंतु जिनके बिना हुए भी कार्य सिद्धि होती है, मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है लेकिन उनके बिना भी किसी को कार्य सिद्धि होती है। जैसे अनशन आदि बाह्य तप का साधन होने पर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं, मुख्य रूप से तो अनशन आदि करते ही मुनिराज, परंतु भरत चक्रवर्ती आदि के बाह्य तप किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हुई, ये कारण ऐसा है जिसके हुए बिना भी हो सकता है, मुनिलिंग ऐसा नहीं उसके बिना हो नहीं सकता, वो ऐसा है कि वो उसके बिना नहीं हो सकता लेकिन उसके होने पर भी हो भी और ना भी, और अनशन आदि तो ऐसे हैं कि जिनके हुए बिना भी हो सकता है मोक्ष।
तथा कितने ही कारण ऐसे हैं जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती होती है और जिनके ना होने पर सर्वथा कार्य सिद्धि नहीं होती, जिनके होने पर होती है और नहीं होने पर नहीं होती। क्या है वो कारण? जिनके होने पर मोक्ष हो गई होगा, जिसके नहीं होने पर मोक्ष नहीं होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता होने पर तो मोक्ष होता ही होता है और उसके न होने पर सर्वथा मोक्ष नहीं होता। ऐसे ये कारण कहे उनमें अतिशय पूर्वक नियम से मोक्ष का साधक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का एक ही भाव है सो मोक्ष मार्ग जाना, और इस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र में एक भी न हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। जब अपन बात करें तो आगे यहाँ पे क्या ये जो कारण है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता जो है वो बिल्कुल असली कारण है। और ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे अपन जो भी करते हैं धर्म के नाम पे सारे अनुष्ठान वो सब करे और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति न हो तो वो कहते हैं कि वो मोक्ष मार्ग का अभी पात्र नहीं हुआ। यद्यपि बात सही कि अपनी जितने भी अनुष्ठान करते हैं सबका एक लिए कर रहे हैं, अभी पूरी स्वाध्याय कर रहे हैं काय के लिए, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। जो भी कार्य कर रहे हैं मतलब अपना मूल उद्देश्य भी अपने को मूल उद्देश्य से रंच मात्र भी अपने को च्युत नहीं होना चाहिए कि अपना उद्देश्य तो रत्नत्रय का सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का ये करके कोई मोक्ष हो गया ऐसा नहीं है। ये करके सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की प्राप्ति होगी तो मोक्ष होगा। पूजन कर ली, व्रत पाल लिए, नियम पाल लिए, सब कर लिए, लेकिन इन सबको मोक्ष का मार्ग नहीं कहा। मोक्ष का मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए कहा है। सम्यक दर्शन होगा तो मोक्ष मार्ग ही कहलाएगा। ये सब कर भी लिया मोक्ष मार्ग नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग इनको करने पर यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो मोक्ष मार्ग ही कहलाएगा। मैंने ये सब कारण के कारण है, असली कारण क्या है? सम्यक दर्शन। और ये सब क्या है? सम्यक दर्शन के कारण। तो इन सबको करने पर ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सब हम काय के लिए कर रहे हैं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के। हर चीज धर्म का हर अंग हमारा काय के लिए? रत्नत्रय के लिए। मैंने वो कार्य के लिए नहीं है, पूजा के लिए नहीं है, स्वाध्याय के लिए नहीं। ये सब काय के लिए है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। कोई पूछे आप क्यों कर रहे हो? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। पूजन क्यों कर रहे हो? सम्यक के लिए। स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? सम्यक दर्शन के लिए। तपश्चरण क्यों कर रहे हैं? सम्यक दर्शन के लिए। तपश्चरण में सम्यक दर्शन में कैसे संबंध है? तपश्चरण करेंगे भोजन आदि का विकल्प समाप्त होगा तो उतना जो समय बचेगा वो तत्वाभ्यास में लगाएंगे, तत्वाभ्यास में लगाएंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो ध्येय सम्यक दर्शन है। देखो अगला दोहा निकालो आप, पेज नंबर क्या था अपना? 100 नंबर पे आ जाओ। निकालो दोहा नंबर 6। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करी जे संशय वे ब्रह्म मोह त्या आपो लख लीजे यह मानुष पर आयस कुल सुनी भोजन वाणी ई विधि गए न मिल सुमणि जो उद दिसमानी। इसलिए हे भव्य जीव तुम क्या करो? ताते माने इसलिए जिनवर कथित जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व का अभ्यास करीजे, तत्व का अभ्यास करो। मैंने अनंत बार मुनिवृत्त धारण भी किया और निज आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो अब यदि तुम्हें सुखी होना है तो निज आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, और निज आत्मा की ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करो? तत्व का अभ्यास करो। कौन से तत्व का? जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व ज्ञान का अच्छा जोरदार जम के अभ्यास करो। और जिनेन्द्र भगवान के तत्व काय में कहे गए हैं? जिनवाणी में। इसलिए सार रूप में बात कहें तो खूब अच्छा जिनवाणी का अभ्यास करो। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तुम्हें सचमुच यदि अपना हित करना है तो तुम्हारे हित के लिए इस पंचम काल में
जिनवाणी के अध्ययन से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं। इसलिए यदि तुम्हें सचमुच अपना हित चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो अपने आप को जिनवाणी के अध्ययन में रमा दो। टोडरमल जी के शब्दों में कहें तो हम तुम्हारे हित के लिए हट से भी प्रेरणा करते हैं। हट से ही मतलब तुम्हारे हित के लिए हम जबरदस्ती भी प्रेरणा करते हैं कि भाई जैसे बने वैसे लगो, क्योंकि कल्याण का और कोई उपाय नहीं। और दंड फंद जितने भी हैं उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो। समझ लो कोई किसी एक्टिविटी में लग जाए तो क्या करना, बहुत सारी एक्टिविटी धर्म के नाम हो सकती नहीं हो सकती, क्योंकि ना ये सबसे कुछ सिद्धि होने वाली नहीं है। यदि तुम अपने आत्मा की सिद्धि मतलब आत्मकल्याण की सिद्धि चाहते हो तो एक ही उपाय है। अब तुम उसको कैसे करना है ये तुम विचार करो, लेकिन उपाय एक ही है। क्या है? तत्वाभ्यास। और तत्वाभ्यास तुमको व्रत लेके करना है, बिना व्रत लिए करना है, कैसे करना है, जैसे करना है, काम एक ही करना है। क्या करना है? तत्वों का अभ्यास करना। तत्व का अभ्यास माने जिनागम का अभ्यास अच्छा गहरा, इसे ऊपर ऊपर नहीं उथला उथला, अच्छा उसके अंदर डूब के, तत्व ज्ञान के अंदर पूरा डूब के, और उसका ऐसा जोरदार अभ्यास करना है कि जैसे तत्काल सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, आत्मा का अनुभव कर। और संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लख लीजिए। क्या कह रहे हैं? इस संशय का, विभ्रम का और मोह का, इनका त्याग करके और अपने स्वरूप को तुम देख लो। अर्थात इसलिए हे जीवो, अब तुम तत्व जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्वों का अभ्यास करो। और कैसा अभ्यास करो? कि संशय विपर्य और अनित्य व्यवसाय से रहित, तुम्हें उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं हो रहा। अच्छे से जिनवाणी पढ़ो, तुम्हारे मन के सारे संशय दूर होंगे, और जो विपरीतता है अपनी वो दूर होगी, और अनित्य व्यवसाय मतलब जो उसको जानने के प्रति जो अरुचि वो समाप्त होगी। संशय विभ्रम अनित्य व्यवसाय, संशय विभ्रम मोह त्याग, मैंने संशय विभ्रम और मोह का त्याग करके अपने स्वरूप को तुम देख लो। अच्छे से तत्व का अभ्यास करो, संशय विभ्रम संशय विपर्य मोह को छोड़ो और अपने आत्मस्वरूप को देख लो। क्यों आगे कहें, क्यों ऐसा क्यों करना है कि ये मनुष्य पर्याय, ये जैन कुल और जुनवाणी सुनने को मिलना, ई विधि माने ये अवसर, ई विधि गए एक बार यदि चला गया तो न मिले वापिस पुनः मिलना मुश्किल है। कैसे? सुमणि जो उदधि समानी, जैसे समुद्र में यदि एक बार अपनी अंगूठी गिर जाए तो उसका मिलना जिस प्रकार से दुर्लभ है, उसी प्रकार से गई हुई मनुष्य पर्याय का पुनः मिलना दुर्लभ। क्या अपन समझ लो यहाँ हिंदुस्तान से लंदन के लिए अपन जहाज में बैठ के गए, और बीच में अपन कहीं खेल कूद कर रहे थे, और उतने में अपनी जो है मतलब अपनी अंगूठी कहीं गिर गई, अपने को पता भी नहीं चला कि कहीं पानी वानी में गिर गई, और अपन जब वहाँ चले गए लंदन, फिर वापस हिंदुस्तान आए, और फिर अपने को ध्यान आया कि वो जो है अपन उस दिन खेल रहे थे तब से वो दिखाई नहीं दी, अब वो अंगूठी मिल सकती। अरे वाप लंदन पहुँच जाओ, अपन बंदरगाह में पहुँचो और पता चले कि अरे हाथ की अंगूठी गायब हो गई, जहाज पे देखा सब कहीं देखा नहीं मिली, बोले पक्के से पानी में गिरी, क्योंकि पानी के वहीं हाथ लगाते रहते थे बार बार, वो पानी में चली गई। अब बताओ उसका मिलना संभव है? उसके मिलने के लिए भी समय देगा? कहते कदाचित फिर भी वो भी मिल जाए, वो भी एक बार मिल सकती है, लेकिन ये मनुष्य पर्याय फिर मिलना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। और मनुष्य पर्याय भी मिल गई तो फिर उसमें जैन कुल मिलना दुर्लभ है, और जैन कुल भी मिल गया तो जिनवाणी सुनने को मिलना दुर्लभ है। इसलिए यह अवसर चूकना योग्य नहीं, क्योंकि यदि अवसर चूका तो भव भव पछता है, क्योंकि संसार काम चलते रहते ऐसे ही खत्म हो जाती पर्याय।
जिंदगी कैसे बीतती पता ही चलता है। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे वो प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पा। सूरज निकला छिप गया, चांद निकला रात हो गई, रात भी हो जाएगी खत्म, एक दिन और आज की तारीख और आगे बढ़ जाएगी, कल की तारीख आ जाएगी, कल भी इधर उधर लगे नहीं कि रही बार निकल जाएगा, फिर अगला एक सप्ताह और आ जाएगा, जैसे चार सप्ताह हो जाएगा, महीना पूरा हो जाता, साल पूरे हो जाते, दसों साल हो जाते, बीसों साल पूरे होकर अपना बाल्यावस्था युवावस्था चली जाती है, बीस साल और बीत गई युवावस्था का, तो बूढ़े खत्म जिंदगी खत्म, रवाना होने की तैयारी, दस बीस साल के रह ले बुढ़ापे में खत्म। जिंदगी इतनी तेजी से भागती है पता ही नहीं चलता। तो बहुत मुश्किल से अवसर मिला है, इसलिए इस मुश्किल से मिले अवसर को चूकना योग्य नहीं है, इस अवसर का जितना बने उतना लाभ ले लो, और उसका सबसे बढ़िया लाभ सबसे बढ़िया उपयोग सदुपयोग यही है कि उसके अंदर तत्व का अच्छे से जोरदार अभ्यास किया जाए, और तत्व अभ्यास के लिए क्या किया जाए, जिन वाणी का अच्छा स्वाध्याय किया जाए। कितनी देर पढ़ते हैं घर में बताओ, मैं कहता हूँ कि जितने बैठे लोग हैं ना, किसी का आधे घंटे का भी नियम नहीं होगा, तो रोज आधे घंटे जिनवाणी पढ़ेंगे, है किसी का नियम, सप्ताह में एक बार का नहीं होगा कि सप्ताह में आधे घंटे पढ़ेंगे, महीने का भी नहीं होगा किसी का, है किसी का बता, क्या महीने में आधे घंटे पढ़ेंगे ऐसा नियम है, काम मतलब इसलिए फिर वो कैसे हो, इधर जो इसमें जुड़ जाए रम जाए, इससे बढ़ के उसको कुछ लगे ही नहीं अच्छा, तो ऐसे जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति दूर नहीं है। लेकिन जिसके भी तत्व का अभ्यास नहीं है, अभी दिल्ली थोड़ी सी दूर है, नज़दीक लानी है दिल्ली, तो उसका उपाय है कि थोड़ी तेज गति से दौड़ो, क्योंकि बहुत मुश्किल है यह अवसर। मनुष्य पर्याय का एक समय मतलब आप समझ लो कि चक्रवर्ती अनेक चक्रवर्तियों की संपदा भी उसके सामने कोई मूल्य नहीं रखती, मनुष्य पर्याय की एक समय का मूल्य इतना अधिक है, क्योंकि अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से एक समय का सिद्धों का सुख अधिक है, और मनुष्य पर्याय से अनंत काल के सिद्धों का सुख प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है कि अनंत काल तक अक्षय अनंत सुख को भोगे ऐसा सिद्ध पद मनुष्य पर्याय से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए कहाँ लगती है उसके सामने चक्रवर्ती आदि की संपदा। इसलिए कहते हैं कि भाई इसका उस अवसर जो है ये अवसर चूकना योग्य नहीं है, चूकना मतलब इस अवसर का उपयोग कर लेने में अपना हित है, और चार वाणियों का अच्छे से अभ्यास करें जी। अच्छा जिनवाणी तो वास्तव में ऐसा अभ्यास होना चाहिए बिल्कुल एकदम जैसे कोई अपनी दूसरी दुनिया की चीज़ें अपने कंठ में बसी रहती है, ऐसे चीज़ बिल्कुल बसी हो हृदय में पूरे अंग अंग में अंग प्रत्यंग में पूरी समाई हुई, अभी तो ऐसे ठोस गहरे अभ्यासी मिलने को दुर्लभ है कि जो जिन्होंने अनेक बार किसी ग्रंथ का अच्छे से आद्य उपान स्वाध्याय किया हो पढ़ा हो उसकी विषय वस्तु का विचार किया हो, किसी दिन उनका खाना हराम हो गया हो कुछ चीज़ उनको समझ में नहीं आई हो, तो स्कूल कॉलेज के पढ़े के पीछे तो खाना कितनी बार छोड़ा अपन ने, रात की नींद छोड़ दी, अपने भोगों भोग छोड़ दिए, लेकिन धर्म तो पीछे हो जाए तो ठीक है नहीं हो तो अपना क्या जा रहा है, तो पैसे बिगड़ रहे, लेकिन जबकि सबसे ज़्यादा इसी में बिगड़ता है, और ये अपने को कुछ बिगड़ाओ कुछ बिगाड़ इसमें अपने को दिखते, इसलिए कही हे जीवो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्वों का अभ्यास करो, और ये जो तुम्हारे चित्त में जितने भी संशय है विपरीतता है मिथ्या मोह है ये सब छूट जाएगा, इसका यही कहे इसका त्याग करो और अपने आत्मस्वरूप को देखो, यदि इस आत्मस्वरूप को तुमने इस पर्याय में नहीं देखा तो पुनः देखने का चांस मिलना दुर्लभ। देखो क्या है, जितनी अनुकूलता मनुष्य पर्याय में है तत्वाभ्यास करने की वैसी अनुकूलता और किसी पर्याय में क्यों नहीं है, नरक में तो जीव डंडे खाता रहेगा, शांति से बैठने का अवसर कहाँ है,
नारकी तो वहां दुखी है और देव हैं वो विषय आ सकते हैं। पांच इंद्रिय के विषय वो मगन त्रियंच है वो निपट अज्ञानी। बचा एक मनुष्य है और मनुष्य पर्याय में कदाचित थोड़ी बहुत मंद कषाय होती है, भोगों की थोड़ी रुचि कम होती है, तो ये जीव तत्व को सुनने के लिए बैठ जाता है। और ऐसे समय में यदि वो अच्छा सा थोड़ा भी उद्यम करे तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते। क्या? क्योंकि यहाँ उसको अवसर है, यहाँ ना इतनी विषयों की रुचि होती है तीव्र, विषयों की इतनी तीव्र आसक्ति नहीं है जितनी आसक्ति देवों को है, ऐसा तीव्र अज्ञान भी नहीं है जो अज्ञान त्रियंचों में है। और यहाँ कोई डंडे तो पड़ते ही नहीं, डंडे तो बहुत मुश्किल से पड़ते हैं, इसलिए जैसा अवसर पुरुष पर्याय में मिलता है तत्व अभ्यास का, वैसा अन्य किसी पर्याय में मिलता नहीं है। आप लोगों ने वो पढ़ी कि नहीं पढ़ी? किसी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रस्ताव किसने पढ़ी हो? किसी ने नहीं पढ़ी। मैं उसको कल फोटो कॉपी करके लाऊंगा, उसको मैं अपनी एग्जाम के अंदर ही रखते हैं सिलेबस में, उसको पढ़ना आता अच्छे से। उसमें उन्होंने जिनवाणी के अभ्यास की बहुत प्रेरणा दी अच्छे से। क्या पहले घर पे पढ़ के आना, फिर अपन यहाँ पढ़ेंगे। देखो पढ़ो इसका अद्वयार्थ पढ़ते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए परमार्थ तत्व का अभ्यास करना चाहिए और संशय विपर्य तथा अनंत व्यवसाय को छोड़कर अपने आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए, अर्थात जानना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो यह मनुष्य पर्याय, मनुष्य भाव, उत्तम कुल और जिनवाणी का सुनना ऐसा सुयोग बीत जाने पर समुद्र में समाये डूबे हुए सच्चे रत्न की भांति मिलना कठिन। एक बार यह अवसर याद मिलना कठिन। यह सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की दुर्लभता ही बताई है और अपने को प्रेरणा भी दी। अब देखो भावार्थ पढ़ते हैं। इसमें आत्मा और पर वस्तुओं के भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिन देव द्वारा प्ररूपित सच्चे तत्वों का पठन पाठन मनन करना चाहिए। क्या करना चाहिए भेद विज्ञान प्राप्त करने के लिए? सच्चे तत्वों का पठन पाठन करना चाहिए। अनेक लोग जो है सोचते हैं भेद विज्ञान करना, क्या करना? अपने समझ लो अपने आत्मा के अंदर लीन होने के लिए आत्मा का ध्यान करना। लेकिन आत्मा का ध्यान करने से भी अधिक आवश्यक है कि सबसे पहले उस आत्म तत्व को अच्छे से समझना। जब तक समझ ही सही नहीं है बराबर तो ध्यान किसका करेंगे? क्या वो ध्यान ऐसे ही है कि जैसे कोई आकाश के फूल का ध्यान, आकाश का फूल होता है तो पता ही नहीं, गधे का सींग का ध्यान, गधे के सींग का ध्यान कर गधा उसका सींग। पहले वस्तु होवे, उस वस्तु का बोध होवे तो उसका ध्यान होगा। बिना ज्ञान के ध्यान निष्फल है। तो पहले अच्छे से तत्व का अभ्यास करें अच्छे गहराई से, ये तो ध्यान के अंदर बैठेगा तो नींद आने लगेगी। क्योंकि ध्यान के लिए विषय तो चाहिए। जिस आत्मा का ध्यान करना उस आत्मा की खबर ही नहीं कि है क्या वो आत्मा का स्वरूप, कौन है वो आत्मा, उसका क्या स्वरूप है, उसका ज्ञान कुछ भी नहीं है। थोड़ा तो ध्यान ना आत्मा का ध्यान कैसा ध्यान हो रहा है, अंदर क्या दिख रहा है, अंदर एकदम लाइट ही लाइट है, सफेद वाइट, ये वाइट लाइट आत्मा है क्या? लाइट तो पुद्गल का गुण है, ऐसे लोग बोलते हैं। अंदर बिल्कुल मैंने चमचमाता प्रकाश रेखा, मैंने प्रकाश तो पुद्गल गुण की पर्याय है, अंदर में तो चैतन्य दिखाई देना चाहिए, चैतन्य का अनुभव होता है, चैतन्य दिखता नहीं है, वो अनुभव की वस्तु है, कोई चमचमाता वो प्रकाश लाइट जैसी चीज नहीं है वो। और ये सब बातें इसलिए होती है ये सब चीजें क्योंकि जीव बिना क्रम से जाए तो सीधे डायरेक्ट जंप लगाने की कोशिश कर, मैं सीधे आत्मा के अनुभव कर लूंगा। क्या कर लेगा तू आत्मा का अनुभव? तेरे को आत्मा के बारे में कुछ तो पता नहीं है, पहले अच्छे से तत्व अभ्यास कर। पढ़ने में मन लग नहीं रहा है और आत्मा के ध्यान में मन लग रहा है, मैंने आत्मा की बात करो तो नींद आ जाए, वो कह रहा है आत्मा में ध्यान लगा। वाह, तू पहले आत्मा के स्वरूप को अच्छे से समझ। आचार्यों ने अपने पे उपकार करके जिनवाणी माता में स्वरूप बताया आत्मा का, पहले तू अच्छे से उसका अभ्यास कर, तत्व का अभ्यास कर, चारों अनियोग के अच्छे से शास्त्र पढ़, ये तेरे उपकार के लिए लिखे उन्होंने। यदि बिना जिनवाणी पढ़े यदि तेरा कल्याण हो जाता
तो आचार्य देव सीधे लिख जाते कि सब बैठो और आत्मा का ध्यान करो, लेकिन नहीं, उन्होंने पहले उसका स्वरूप बताया, वस्तु का स्वरूप क्या है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानेगा तो अपने आप विपरीतता जो है वो दूर होगी, क्योंकि वस्तु की विपरीत, वस्तु स्वरूप के बारे में विपरीतता, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ध्यान से ही जाएगा। विपरीत मान्यता कैसे जाएगी? सच्चा स्वरूप जानने से जाएगी। और सच्चा स्वरूप जानने के लिए क्या करें? जिनवाणी का अभ्यास करें। अनेक लोगों को हमने बहुत अभ्यास कर लिया, बहुत का मतलब क्या होता है, क्या होता है बहुत का मतलब, सब पढ़ लिया हमने, लेकिन अभी एक चीज पूछेंगे तो आएगी। कोई भी ग्रंथ हो, जैसे समझ लो रुद्रव्य संग्रह है, प्रवचन सार है, समय सार है, कम से कम 10 बार पढ़े उसको, कम से कम, तब उसमें क्या लिखा है उसकी विषय वस्तु कुछ ख्याल में आएगी। और बहुत पढ़ने का क्या मतलब होता है? बहुत एकाध चीज पढ़ी नहीं है कोई और लग रहा है कि बहुत पढ़ लिया है, करना नहीं योग के बारे में पूछो तो कुछ पता ही नहीं, चरणा नहीं योग का कुछ खबर ही नहीं है, प्रथमा नहीं योग की कोई एकाध मोटी मोटी कहानी वाले कुछ नहीं पढ़ा, और समझ रहे कि आपने बहुत पढ़ लिया है, अब तो बहुत पढ़ लिया है, अब पढ़ने का काम मत करना, अब तो आप ये बताओ आत्मा में कैसे जाना है, फिर क्या पहले वो काम करो फिर आत्मा में चले जाओगे, वो तो जिनवाणी पढ़ोगे तो अपने आप आत्मा में चले जाओगे, लेकिन पहले उसको पढ़ो तो सही अच्छे से। जितना अभ्यास उसका मांगता है वो उतना अभ्यास कर ही नहीं रहे, उसी से जंप लगाने की कोशिश करनी लगेगी, जंप जो क्रम है उसका वही है, चारों अधियोग के शास्त्रों का अच्छा पठन पाठन उसका उपाय है। अब देखो आगे और क्या कहते हैं यहाँ, ये हो गया अपना संशय विपर्य अनिर्दोषाय, इन सब में ज्ञान के 3 दोषों को दूर करके आत्मस्वरूप को जानना चाहिए। मैंने सब में ज्ञान की परिभाषा भी दी, सब में ज्ञान किसे कहते हैं? संशय विपर्य और अनिर्दोषाय से रहित वस्तु स्वरूप के ज्ञान को सब ज्ञान कहते हैं। लिख लो ये परीक्षा में आ सकते, क्या कहा? सब ज्ञान का स्वरूप हमें संशय विपर्य और अनिर्दोषाय से रहित आत्मस्वरूप को जानना, वो सब ज्ञान। तो हे जीव, तुम तत्व ज्ञान का अभ्यास करो और संशय विपर्य अनंत व्यवसाय को छोड़कर अपने निज आत्मस्वरूप को देख लो, जान लो। क्या है संशय विपर्य अनंत व्यवसाय बताओ? संशय क्या है? पहले कई बार बता चुके संशय, हाँ ये संशय हो गया, विपर्य और अनंत व्यवसाय कुछ होगा, कुछ जैसे तत्वों के बारे में संशय विपर्य अनंत व्यवसाय से नहीं, जैसा है वैसा का वैसा जानना, मैं आत्मा ही हूँ देह नहीं हूँ। तो इस प्रकार से जो अपने निज आत्म स्वरूप को जानना है संशय विपर्य अनंत व्यवसाय से रहित, उसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। तो ऐसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति तुम करो, उसके लिए तत्व का अभ्यास करो, तत्व के अभ्यास के लिए क्या करो? जिनवाणी का अभ्यास, क्योंकि ये अवसर पुनः मिलना दुर्लभ। अब आगे देखो क्या कहते हैं, पेज 2 नंबर 7, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण सफल विवेक बखानो, कोटि उपाय बना ये भव्यता को उर्यानो। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, क्या अर्थ है इसका? ये जिस समाज की तुम इतनी चिंता करते हो, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, हर चीज में वर्णी जी ने एक बहुत बढ़िया व्यंग किया है कि संसार में कषाय 4 ही नहीं, कौन कौन से 4 कषाय? क्रोध मद माया लोग, बोले एक सबसे बड़ी कषाय है लोगों को, लोग क्या कहें हर चीज में, क्या कपड़े कौन से, लोग क्या कहेंगे, ऐसे कपड़े मत कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, चप्पल ही है, लोग क्या कहेंगे, क्या अच्छा जब लोग कुत्ता बन जाएंगे तब लगेंगे, सुअर बन जाएगा तब, मतलब लोगों की चिंता में अपने अमूल्य मनुष्य भाव को बिगाड़ने के लिए तैयार, अपने आप को नरक की गोद ले जाने के लिए तैयार, इससे बड़ा मूर्खता और मूर्ख और क्या कौन होगा? अरे लोग कोई वहां नरक के डंडे खाएंगे तो कोई नहीं आएगा एक भी, ये समझ लो कुत्ते बिल्ली बन गए तो लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वो खुद भी पिल्ले बन जाएंगे, अपने पिल्ले बन जाएंगे, इसलिए लोग की जो चिंता करता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। दूसरी बात यह है
कि लोग यार कितनी चिंता करो, लोगों को जो कहना वो कहे। एक एक पिता और पुत्र वो घोड़े में बैठ के जा रहे, लोगों ने कैसे दुष्ट लोग हैं, दोनों घोड़े में बैठ गए, घोड़े की जान ही ले लेंगे तो। अरे कम से कम घोड़े को कुछ तो दया करनी चाहिए। तो बेचारा पिता उतर गया, बेटे से कहा बेटा तू बैठ जा, मैं उतर जाता हूँ। क्या एक ही आदमी होते घोड़े आगे गए, लोगों ने कहा ये बेटा कैसा दुष्ट आत्मा है, पिता घोड़े पे बैठ के जा रहा है, बेटा वो घोड़े बैठा हुआ, पिता नीचे जा रहा है और बेटा घोड़े बैठा। तो बेचारे जो है बेटा जो है नीचे उतर गया, उसने पिताजी को बैठाया, पिताजी आप बैठा। तो कैसे कैसा पिता है, बच्चे की इतनी चिंता नहीं है, लोग तो अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करते हैं, और इसने बच्चे को पैदल चला रहा था बच्चा। तो बेचारा बेटा भी उतर गया, दोनों पैदल चलने लगे, घोड़ा भी चल। लोगों ने क्या मूर्ख लोग है, घोड़ा जा रहा और कोई बैठा हुई नहीं। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने घोड़े को उठा के चले चलते। लोगों ने कहा क्या मूर्ख है, घोड़े को उठा के चलने लगे। तो वो क्या बोले, अब क्या करें, हम जमीन में धस जाए क्या करें। लोग तो ऐसे ही कि आप कुछ भी करो, इसलिए जो लोगों की चिंता करता है वो अपने असली आनंद को कभी नहीं भोग सकता, लौकिक आनंद को भी नहीं भोग सकता। लोग गए चूल्हे में, अपना अपना आत्मा इन सब द्रव्यों से भिन्न है, जहाँ ये देह ही अपनी नहीं है वहाँ ये लोग क्या करेंगे, लोग सबसे बिल्कुल तो भिन्न है, और इनके दिमाग में जो भी कचरा मिट्टी भरा हो हमारे बारे में उसका हम क्या कर सकते हैं। यदि ये मेरे बारे में सोचता अच्छा है तो उससे मेरी आत्मा का कल्याण नहीं हो जाएगा, और यदि ये सोचते हैं कि मैं बुरा हूँ तो उससे मेरा कोई बुरा नहीं हो जाएगा। मैंने इनके चिंतन से मेरे आत्मद्रव्य के चिंतन का कोई, मेरे आत्मद्रव्य के भले बुरे का कोई संबंध है ही नहीं, फिर भी मैं सोचने में लगा हूँ इनको अच्छा सोचना चाहिए मेरे बारे में, इनकी थिंकिंग सही होनी चाहिए, ये मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचना चाहिए। अरे क्या सोचना चाहिए बेचारे, उसे आत्मा तेरा सोचे हो कि अपना सोचे हो, यदि उसकी भी तेरे को चिंता है तो ये सोचना चाहिए कि ये भी मेरे बारे में नहीं सोचे और मैं भी इसके बारे में नहीं सोचूं, और दोनों अपने अपने बारे में सोचे। ये लोग बहुत हर चीज के अंदर क्या मैंने आधी जिंदगी तो दूसरे को दिखाने में चली जाती है आगे, नहीं तो क्या है बाजार में जाए जो चीज दिख गई ले ली, आगे पहनने के लिए कपड़े चाहिए ले लिया ना, चप्पल चाहिए चप्पल पहन लिया, नहीं देख एक एक हाथ लगा कैसी दिखेगी, घंटों बिगाड़ देगा उसको, उसको कहो जिनवाड़ी का स्वाध्याय करना ही नहीं, चप्पल अच्छी है। अरे चप्पल कीड़ा बनना है क्या बनना है चप्पल, कितनी छोटी छोटी चीजों के अंदर आदमी उलझा हुआ है, और फिर बात करता है कि मेरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, अभी चप्पल जूतों में से तो अक्ल नहीं जा रही है उसकी, और सम्यक दर्शन चाहिए। मैंने जो जिंदगी के अंदर जो 5 सेकंड में जो काम होना चाहिए उनके लिए घंटों दे रहा है, देता है कि देता है, हर चीज के लिए, हर कोई भी हो, मैंने इसको देह का प्रदर्शन कपड़े लत्तों के प्रदर्शन की इतनी आदत पड़ चुकी है, समाज की इतनी चिंता है इसको कि इसको अपने आप को नरक निगोद में डालने में भी कोई इसको परवाह नहीं हो सकती। उसका कारण ये एक तो कि इसको इस लोक का विश्वास है, समाज का भरोसा है, लेकिन अपने परभाव का भरोसा नहीं। दुनिया सम्मान करे, सम्मान के लिए वो नरक भी जाने को तैयार, क्योंकि उसको ये विश्वास ही ना कि इसका फल, इसके फल में मेरा क्या बिगाड़ होने वाला, उसको तो 4 जने किए थे, 4 जने उसको चढ़ने के झाड़ पर चढ़ा देते, चढ़ने देगा, और कोई नहीं चढ़ाता हो तो पैसे बांटे, तुम ले तुम लो तुम लो तुम लो, क्या करना, एक बैनर बनाओ उसमें मेरा फोटो होना चाहिए, अच्छा बने मंच पर बिठा देना, और उसके लिए वो पैसे कमाने के लिए लगा हुआ बेचारा, 4 जने के पीछे 4 जनों के हार पहनने के लिए पैसे कमाने लगा हुआ। मैं भी कभी मंच पे बैठूँ, माइक पे बैठूँ, माला नहीं, कितनी क्या कहते हैं कि धन धन ये समाज काम नहीं आने वाला, और ये धन ये कुछ काम नहीं आने वाला, आत्म कल्याण में क्या काम आता है बताओ, अपने को अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उसमें अपन अधिक धन कमा लेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा आत्मा कल्याण हो जाएगा।
आजीविका पूर्ता तो चलो समझ में आता है कि अपने को रोटी कपड़ा मकान के लिए चाहिए, फिर उसके अलावा अपन ने एक मकान के लिए दो मकान जोड़ लिए, दो मकान जोड़ने से बहुत जल्दी हो जाए, आधे टाइम हो जाएगा, तीन जोड़ लेंगे तो और वन थर्ड, कुछ नहीं है उससे, वो सब यहीं का ही छोड़ के जाने वाला है। तो एक दो तीन कितने इकट्ठे कर ले, लेकिन वो सारी संपत्ति यहीं के यहीं छूट के और क्षण भर में कब चले जाएगा पता ही चले। तू तो वास्तव में अपने बच्चों का नौकर है, बहुत बढ़िया, उनके लिए इकट्ठी कर करके जोड़ते जा, क्योंकि इससे बढ़िया नौकर तो और किसी को मिले ही कहाँ, मिले तो भगवान करे बोले हर भाव में ऐसा पिता मिले जो मेरे लिए पूरी नौकरी बजा के जाए और छोड़ के जाए, क्या काम आएगा धन समाज गजबाज, गजबाज में हाथी घोड़े बाजे राजपाट ये कुछ काम नहीं आएगा, क्या काम आएगा। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे, एक बार जो अपन ने अपने आत्मा का स्वरूप जान लिया, अपने आप को जान लिया, तो वो अपने को भाव भाव में काम आने वाला है। जो संस्कार अपन यहाँ से ले गए धर्म के तत्व ज्ञान के, वही अपने को भाव भाव में सुख के कारण बनेंगे, यहाँ की सामग्री के जो भी सुख का कारण नहीं बनेंगे, संस्कार सुख के कारण बनेंगे। जो जितना भी अपने को तत्व ज्ञान रहेगा, वेद विज्ञान का अभ्यास रहेगा, किसी भी कठित किसी विपरीत परिस्थिति में भी अपन चले जाए, छोटी गति भी चले जाए, तो भी वो तत्वज्ञान अपने को सुखी करने में कारण बनेगा कि यहाँ का पैसा मकान दुकान समाज लोग बाग ये कुछ काम नहीं आने वाले, वहाँ कौन आएगा वहाँ पे, कौन दिखेगा, क्यों अच्छा है कौन दिखेगा वहाँ पे अपने को, ये जितने भी दिख रहे हैं अभी यहाँ पे वहाँ पे वहाँ कौन दिखने वाला, कुछ सब गायब। इसलिए कहते हैं कि ये तो वास्तव में ये तो जो मनुष्य पर्याय है तो आँख की टिमकार के समान होता है, स्वप्न है ही एक प्रकार से, जैसे स्वप्न आता है नींद में सब कुछ सच्चा दिखता है, ऐसा 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 ऐसे मनुष्य पर्याय सब सच्ची दिख रही है, जहाँ विघटी मनुष्य पर्याय है कुछ नहीं दिखने वाला, जो सब कहाँ चले गए क्यों पता ही नहीं सब कहाँ चले, वही जीव कहाँ आ गया, ये तो एक स्वप्न की भांति है। इसलिए इसको स्वप्न की भांति जानकर ये सारे समाज को जाने कि सब सपने में मिले हुए रिश्तेदार के समान है, असली इनमें से अपना कोई नहीं, असली तो अपना जो आत्मस्वरूप है जो त्रिकाल अनंत काल तक रहने वाला वो असली है, और वो जिसने जान लिया तो वो जग गया, और बाकी तो सब मोह नींद में सो रहे हैं, ये मेरा है ये मेरा है मेरा है मेरा है, कौन है तुम्हारा, जिसको आज तुम अपना कह रहे हो कल उसी को मारने के लिए दौड़ जाओ, ये बढ़िया है। इसलिए पंक्ति थी ये चौथी ढाल बहुत जोरदार है, समझने में सरल है लेकिन इसके ऊपर विचार करो तो बहुत आनंददायक है, बहुत गंभीर है इसके इस अपेक्षा से। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा हो, हे जी यदि तेरे को एक बार समय ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अपने स्वरूप को तुमने देख लिया तो अनंत काल तक अचल रहेगा, फिर तेरा इस गति से उस गति में चलायमान नहीं होगा, अचल पद को प्राप्त कर ले। इसलिए उस अचल पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर कि भव में बार बार सपने क्यों देखता, अभी अपन ने देखो अभी ये सब दिख रहा है अपने को, अपन ने किसी को अपना मान रखा, यहाँ से रवान की हो जाएगी दूसरे पर्याय में जाते वहाँ किसी और को अपना मानने लगते, फिर वहाँ से रवान फिर कहीं और अपना मान रखते, ऐसे हर भाव से हर गति गति से इसको फुटबॉल की तरफ फेंका जाता है, फिर भी ये जहाँ जाता है वहाँ अपना अपन करे बिना मानता है। तो कहते हैं इनमें तो तुमने बहुत चिंता करी, इनकी परिवार की समाज की राज की कुटुंब की बहुत चिंता करे, अब काय की चिंता करो, अपने आत्मा की चिंता करो, मेरा क्या होगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा का क्या वास्तविक रूप है, तो एक बार उसको देखो, उसको देखने से अनंत काल तक सिद्ध पद की प्राप्ति होगी, मैंने अचल पद की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान आपको रूप बहे, मैंने सम्यक ज्ञान से अपना स्वरूप देखा तो फिर अचल रहा मैंने अचल दशा की मैंने सिद्ध दशा की प्राप्ति। देखो दो लाइन का अर्थ पढ़ते हैं, ये दो लाइन का अर्थ बाद में करेंगे। पैसा परिवार हाथी घोड़ा राज्य तो अपने काम में नहीं आते, किंतु सम्यक ज्ञान आपको रूप माने आत्मा का स्वरूप प्राप्त होने के पश्चात अचल रहता है। आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाए तो अचल रहता है, वो नहीं जाता, ये सब चीजें चली जाएगी।
लेकिन सम्यक ज्ञान जाता है, चाहे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, एक बार प्राप्त हो गया तो अनंत काल तक रहता है। क्या जो आत्मा के गुण हैं वो कभी नष्ट नहीं होंगे, और जिन जिन बाहरी सामग्री को तुम प्राप्त करने की इतनी मेहनत कर रहे हो वो तो नियम से कुछ समय बाद छूटनी छूटनी है, लेकिन जो तत्वज्ञान करोगे प्राप्त वो ये भाव ही नहीं अगले भाव में भी साथ जाएगा, अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा। जो अपने गुण को बढ़ाने में जो अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जिसको कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट पक्का इन्वेस्टमेंट, बाकी ये जो लौकिक का इन्वेस्टमेंट है सब 10-20 साल यही रह जाए। अपनी स्किल्स, जैसे लोक में भी कहावत है कि अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट, तो ये कह रहे हैं कि अपने आत्मा के गुणों का जो वृद्धि करने में जो अपन ने समय दिया है, जो भी अपन ने शक्ति दी है, वो सबसे बढ़िया अपने लिए अपन ने काम किया है। बाकी तो जितना भी ये संसार की चीज़ें बढ़ाने के लिए, पड़द्रव्य बढ़ाने के लिए जो भी पुरुषार्थ किया वो सारा यहीं का ही खत्म हो गया, क्योंकि एक सुई भी यहाँ से साथ में जाने वाली नहीं, सुई जाएगी न क्रेडिट जाएगी न लोगों की प्रशंसा जाएगी न लोगों की कोई खूब बहुत अपना स्नेह जाएगा, ये कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? सम्यक ज्ञान जाएगा। सम्यक दर्शन जा सकता है कि जा सकता है? आत्मा एक भाव से दूसरे भाव में सम्यक दर्शन ले जा सकता है कि नहीं? ले जा सकता है, तो वो ले जाओ, बाकी सब चीज छूटने वाली। ले जाना है तो रत्नत्रय ले जाओ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, बाकी कुछ ले जा भी नहीं सकते। जो ले जा नहीं सकते उसकी क्यों ले, उसको उसकी चिंता छोड़ो, जो ले जा सकते हैं उसकी चिंता करो। 20 साल के लिए जो चीज मिलनी है वो महत्वपूर्ण है, जो चीज अनंत काल तक अपने साथ रहेगी वो महत्वपूर्ण। ये सब तो 10-20 साल तो रहे होगी, इनको भी जीते होगी, उसका भी कोई भरोसा नहीं। और छाइक सम्यक दर्शन हो जाए इसको, यदि सम्यक दर्शन भी हो जाए तो वो केवल इस भाव में ही साथ नहीं रहता, अभी तो पर भाव में भी उसके जीव के साथ जाए। अरे सम्यक दर्शन भी न हो तो भी जो तत्व ज्ञान का संस्कार है वो भी यदि जीव के साथ चले जाए तो वो अगले किसी भाव में भी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा सकता है। ठीक है, अब इसमें से पढ़ लेते हैं अपन, देखो आखिर इधर भावार्थ में से, धन संपत्ति परिवार नौकर चाकर हाथी घोड़ा। अब आजकल के हाथी घोड़ा मतलब 2-व्हीलर 4-व्हीलर जितनी भी चीजें, मोबाइल लैपटॉप वैपटॉप क्या क्या है, तथा राज्य आदि कोई भी पदार्थ आत्मा को सहायक नहीं होंगे, किंतु सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, वह एक बार प्राप्त हो गया होने के पश्चात अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता। एक बार सम्यक दर्शन हो जाए छाई कभी नष्ट नहीं होता, अनंत काल तक रहता अथवा एक रूप रहता। ठीक है, बाकी चर्चा अपन कल करें। जिन जिन लोगों की एग्जाम के पेपर नहीं मिले हैं वो मेरे से अभी एग्जाम के पेपर ले लें, तो नाम बता देता हूँ मैं।